हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज का मेरे एक नए व्लॉग में। और आज हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे हमें तो नहीं पता, हमें नहीं पता, नहीं पता है। तो बाहर हो रही जोरदार बारिश और रात के बज चुके हैं 8। और तो आज हमने सुबह में हमने क्या किया, गाना रिकॉर्ड करवाया है। तो कल या रक्षाबंधन है, परसों है, तो परसों है रक्षाबंधन। तो आज हमने गाना रिकॉर्ड करवाया दिन में, तो आज ही हमको वीडियो बनाना था। तो अभी रात की 8 बज गई है, तो हमको कैसे भी करके वीडियो बनाना है। तो दोस्तों आज देख सकते हैं बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, भयंकर बाहर, और हमको वीडियो बनाना है। तो हम कार लेके आए हैं और पता नहीं कहाँ जाना है, अभी पता नहीं है कि कहाँ जाना है, वीडियो कैसे बनेगा, लेकिन कार लेके आ गए और कहीं भी जाके वीडियो हमको बनाना है। तो हमारे साथ में है अमित भैया, अमित मेडी जी, जो कि एडमिन है इंदौरी मनोरंजन के, और ये हमारे वीडियोग्राफर भी है और हमारे वीडियो के स्पॉन्सर कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो इसका वीडियो बनने वाला है वो हमारे दूल्हे राजा गाड़ी चला रहे हैं, पुष्कर विष्णु। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पुष्कर विष्णु हमारे गाड़ी चला रहे हैं, और मैं हूँ सपोर्टिंग आर्टिस्ट। तो ये गाड़ी कैसे चला रहा भाई, ऑटो तू अंधेरा में पहुंचाएगा हमको लोकेशन पे हमारी। तो दोस्तों अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है, तो मैं आपको इतना से बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा जो वीडियो है आज का, तो हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं रात के 8 बजे। और पानी इतना भयंकर गिर रहा बाहर, देख सकते हो। उसको कैसे शूट करेंगे वो पता नहीं है, पर जा रहे हैं और आगे चल के बताएंगे कैसे वीडियो शूट होता है। वो पाता कि नहीं हो पाता वो भी आपको आगे दिखाएंगे। नहीं होगा तो सही, क्योंकि पहले भी यही दिक्कत आई थी, लेकिन पुष्कर भैया ने हार नहीं मानी और वो शूट हुआ और अच्छा रिस्पांस आया उसका, और अब सेकंड टाइम भी यही हो रहा है। लेकिन मेहनत का जो फल है, मेहनत का जो फल है वो मिलेगा हमको, कितनी भी स्ट्रगल करनी पड़े आज वीडियो बनाने में, लेकिन आज वीडियो बनेगा और कल अपलोड होगा। तो आप वीडियो के आखिर तक जरूर बना रहे, कैसे वीडियो शूट होगा वो सारा आपको स्टूडियो में बताया जाएगा। तो मिलते हैं आगे। तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जोरों शोरों से लगा हुआ है ट्रैफिक जाम। तो यहाँ पे बस टर्मिनल बन रहा है इंदौर का, और ये ब्रिज जो देख रहे हैं आप, ये है मेट्रो। और अभी हम लोग जाने वाले हैं सुपर कॉरिडोर, सुपर कॉरिडोर पे जाके हम बारिश में शूट करने वाले दोस्तों। तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है आप समझ सकते हैं वीडियो को शूट करने में। तो भाई साहब अभी हम लोग आ चुके हैं सुपर कॉरिडोर के ब्रिज से आगे, और ये रोड जाता है एयरपोर्ट की ओर। तो हमको यहाँ पे एक लोकेशन मिली है जहाँ पे हम जा रहे हैं शूट करने, तो वो लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में आगे। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, और आज हम आपको दिखाएंगे वीडियो का जो स्ट्रगल होता है शूट करने में वो किस तरह का होने वाला है। इतनी बारिश, तो भाई साहब हमारे आईफोन खरीदने वाले, समझ रहे हो आप, देख रहे हो आप, बड़े लोग आईफोन खरीदने वाले भाई साहब। साला अपने पास मोबाइल ही नहीं है, अपन दूसरे के मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो हाँ, भगवान की कृपा हुई तो जल्दी हो जाएगा। तो भाई साहब पानी हल्का सा कम हुआ है, बेचना होता तो मैं बाहर बेच देता, पर आपका काम आएगा। तो और 5 मिनट उसके बाद आपको लोकेशन दिखाते हैं कहाँ हम शूट करने वाले। तो दोस्तों फाइनली हम लोग हमारे लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, अभी हम एंटर करने वाले अंदर। तो सीधे चलिए आप, स्ट्रेट चलिए, आपने नहीं देखा मैंने देखा है, मैं आपकी पहली बार आया हूँ। तो भाई साहब सामने आपको दिख रही होगी सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी। तो भाई साहब हम फाइनली आ चुके हैं, आप देखेंगे बिल्डिंग है बिल्कुल वाइट कलर में आपको यहाँ पे दिखने वाली है। तो पूरे घर का जो कलर है वाइट वाइट है बिल्कुल। तो इन्हीं में से एक घर में हम लोग अभी अंदर जाने वाले हैं,
तो वहाँ पर हमारा होने वाला वीडियो शूट। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे हमको आना था। फाइनली हमने आंटी जी को परेशान किया, अंकल जी को इतनी रात में। कितने बजे यार? 9 बजने वाली है। तो मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा लोकेशन, कहाँ पे आए हुए घर में पूरा दिखाएंगे आपको वीडियो में। तो ये है हमारी शूट की लोकेशन, यहाँ हम करने वाले वीडियो शूट। और रात में हमको कुछ लोकेशन मिली नहीं तो हम यहाँ पे आ गए दीदी के यहाँ। नहीं आया तुम लोग है ना, काम करना है, काम करो निकलो करना है। भाई गए तो पैसा हम ही पी लेते हैं। एक दिन ये सारे पैसे नो, मतलब कोई नहीं जानेगा कोई जानता अभी नहीं, मतलब अभी अननोन है, फिर नोन हो जाएंगे तो फिर और कोई नहीं जानेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो शूट हमारा। 1, 2, 3 स्टार्ट। लिरिक्स नहीं आते। 1, 2, 3 साहब कट कट कट, देखो इतना ही मेहनत करने के बाद बीच में गाने को रोक दिया गया, लास्ट लाइन पे रोक दिया गया है। तो डायरेक्टर साहब ने लास्ट लाइन पे रोक दिया है कि बोले कट कट, तो वापस से रीटेक लिया जाएगा। वैसे रीटेक होते हैं, मतलब एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, अलग अलग फ्रेम से लेना पड़ता है और अलग अलग एंगल से लेना पड़ता है। हाँ, वी आर एक्चुअली आर्टिस्ट। तो हमारी एक जो फ्रेम है वो कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक देखते हैं क्या आ रहा है आउटपुट। फाइनली और हमारे जो वीडियोग्राफर हैं उनके हाथ दुखने लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हमारे कैमरा में। चुका था पर ये मान नहीं रहे लोग, ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक फ्रेम देख लेते हैं, कुछ अच्छी लग रही हो तो अंदर ऊपर आ चुके हैं। यहाँ मंदिर में यहाँ फ्रेम देखते हैं, कुछ अलग बनती है जो आपको भी दिखाएंगे। यस, तो दोस्तों हमको एक और फ्रेम मिल चुकी है। जितना भी हम लड़ ले ना होंगे कभी दूर, दिल की है तो राह।
चलो वन वन टू थ्री। दोस्तों दिस इज द फाइनल शॉट। तो लास्ट का जो एक लाइन है उसके लिए शॉट ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हुआ। तो वो जो पहले जो था वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, तो हम लोग यहाँ से भी निकलने वाले। बारिश भी अभी थम चुकी है, देखते बारिश निकली क्या निकली। तो बारिश भी निकल चुकी है, मौसम एकदम साफ है, तो अभी पैदल भी जा सकते हैं हम लोग। थोड़ा बाहर का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। यहाँ बारिश निकल चुकी है, तो रात के 10 बज चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉपर दिख नहीं जाएगा उजाला। लेकिन आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारे यहाँ पे घर बने हुए हैं पूरे वाइट कलर में, और जहाँ हम अभी शूट कर रहे थे वो भी वाइट कलर में ही घर है, जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। बहुत ही प्यारा यहाँ पे इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। यहाँ आगे में सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है, जिसका कि आप बोर्ड देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमने आके शूट किया है। हम यहाँ से निकलने वाले टाइम हो गया है 9:50, ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं। से निकलने वाले और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी दीदी को, उन्होंने हमको परमिशन दी कि आप यहाँ पे शूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको दोस्तों। कुछ इस तरह से वीडियो का